मेरठ में 12वीं की छात्रा तीसरी मंजिल से कूद गई। परिजन जब तक युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि सुसाइड की वजह क्या है इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि परिजनों ने अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि अवनी सोमवार की सुबह 9:30 पर स्कूटर की चाबी, हेलमेट और बैग लेकर स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल में जाकर टावर की छत पर चढ़ गई। लगभग 10:15 पर उसने टावर की छत से छलांग लगा दी। छत से कूदने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोड्डा में 16 वर्षीय नाबालिग की पिटाई के 2 दिनों के बाद मौत हो गई। विधायक दीपिका सिंह ने इसे मॉब लिंचिंग जैसा करतूत बताया। वहीं गोड्डा के एसडीपीओ ने इससे इनकार किया है। बताते चले कि 5 जनवरी की शाम को चंदा मांगने के विवाद में आलू की फसल की रखवाली पर 16 वर्षीय अभिषेक को 10 से 15 आदिवासियों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। अभिषेक को बेहतर इलाज के लिए पहले देवघर, फिर कोलकाता के मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां पर उसकी कल मौत हो गई। देवडांड थाना के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। मुंबई के कल्याण में 7 साल का नाबालिग लड़का प्रणव भोसले स्कूल पढ़ने गया था। 3 बज गए जब बच्चा घर नहीं लौटा, तो बच्चे की मां कविता भोसले ने खड़कपाड़ा पुलिस थाना जाकर अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज कराया। जानकारी में पता चला कि आपसी रंजिश के चलते बिल्डिंग की छत पर बनी पानी की टंकी में फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई है। बच्चे की मां और हत्यारा दोनों दोस्त हैं। ये घटना कल्याण पश्चिम में सुंदर रेजिडेंसी इमारत में घटी है। इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर नितिन कांबले नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इमारत के पानी की टंकी में बच्चे का शव मिला, नितिन उसी इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। पुलिस के मुताबिक कविता भोसले नाम की एक महिला अपने 7 साल के बेटे प्रणव भोसले के साथ कल्याण खड़कपाड़ा थाना क्षेत्र में रहती थी। कविता विधवा है। महिला की नितिन कांबले से दोस्ती थी। दोनों एक ही जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। नितिन विधवा कविता से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया, इसीलिए इसने बच्चे को मार डाला। नोएडा के थाना फेस 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने दुष्कर्म और लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस को पीड़ित महिला का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के मुताबिक बीती 21 जुलाई को पीड़िता कंपनी से काम करने के बाद रात करीब 9 बजे अपने घर सलारपुर जा रही थी। पीड़ित जैसे ही हौजरी कॉम्प्लेक्स की सर्विस रोड कंपनी C50 के सामने पहुंची, तभी रात करीब 9:10 पर 2 लड़के पीछे से आए और पीड़िता को ग्रीन पार्क में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया है। आरोपी ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।